अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे रबड़ी मालपुआ बहुत ही आसान तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें एक प्याली आटा लगेगा और दो प्याली मैदा ले लेंगे हम। एक प्याली शक्कर ले लेंगे हम। अपने हिसाब से मिठास रखेंगे जैसा हमें मीठा चाहिए। हम मिठास बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे ताकि वो ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसी तरह इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे। एक घंटा हो गया है, इसे देखिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम फूड कलर डाल देंगे। मैंने इसमें येलो कलर डाला है। अच्छी तरीके से मिक्स करें इसको ताकि इसमें जो कलर है मिलकर पूरा एक हो जाए। चलिए अब हमें पैन की तरफ चलते हैं। एक पैन में तेल गरम होने रख दिया है और एक चम्मच से मैं लेकर इसमें डालकर इसे फ्राई करूँगी। इसे अच्छे तरीके से फ्राई करें ताकि ये इसके किनारे जो है वो गोल्डन हो जाए, थोड़े ब्राउन टाइप में। देखिए इसे हम पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ये अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसे हम पलट कर देखेंगे कि पका है कि नहीं। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से पक गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। दूसरा भी इसी तरह इसके से बनाएंगे। बहुत अच्छा कलर आ गया है, ये देखिए। अब हम इसे गार्निश करेंगे रबड़ी और ड्राई फ्रूट के साथ। रबड़ी हमने पहले बना चुके हैं, आप रबड़ी की रेसिपी देख सकते हैं। आई बटन पे आपको मिल जाएगी रबड़ी की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से बनी है ये हमारी रबड़ी, होममेड रबड़ी। आप एक बार जाके आई बटन पर क्लिक करें। अगर आपको वो वीडियो पसंद है तो उसे भी लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। अब हम इसे चम्मच से लेकर अपने मालपुए पर डालेंगे। अच्छी तरीके से हम लगाएँगे ताकि ये रबड़ी सब जगह लग जाए। हमारी रबड़ी सब पे लग गई है। अब हम इसे ड्राई फ्रूट डालकर अच्छे तरीके से सजाएंगे। देखिए कितना अच्छा खूबसूरत लग रहा है, देखने में भी और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद है कि आपको रबड़ी मालपुए की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।